शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अरे लड़के वाले आने वाले हैं। तारा तूने सुनैना को ठीक से तैयार किया ना? नानी अच्छी तरह दीदी को मैंने ऐसे तैयार किया है कि लड़के वालों की बोलती बंद हो जाएगी। चांद का टुकड़ा लग रही है तेरी सुनैना। किसी की नजर ना लगे। टुकड़ा क्या, मेरी सुनैना तो पूरा का पूरा चांद है, बिल्कुल अपनी माँ उत्तरा की तरह। अरे ये विदाई थोड़ी है, अभी तो लड़के वाले देखने आएंगे, रो क्यों रही है? आपने बुलाया रानी साहब? ये क्या है कनक, तुम्हारा दिमाग तो सही है ना? सही है, इसलिए तुझे गिरने से बचाया। क्या गिरने से बचाया? अगर मेरा दम घुट जाता और मैं मर जाती तो? माँ चुड़ैले में कभी मरती है क्या? और वैसे भी मैंने ये सब बहुत ध्यान से किया। और माँ आपको तो मुझ पर गुस्सा होने के बजाय खुश होना चाहिए कि मैंने एक और विद्या सीख ली। और पता है ये विद्या मुझे रानी माँ ने खुद सिखाई है। और अगर रानी माँ कुछ सिखाती है ना तो उसमें गलती होने की कोई गुंजाइश नहीं होती। बिल्कुल, मैं तुमसे बहुत खुश हूं कनक, मगर ध्यान रहे अधिराज के सामने ये सब। चिंता मत कीजिए रानी माँ, उसे कभी कुछ भी पता नहीं चलेगा। एक बात और, आज सुबह जो कुछ भी हुआ वो दोबारा नहीं होना चाहिए। लगता है रानी माँ को पता चल गया कि अधिराज महल से बाहर गया था। अब जाओ, जाकर अधिराज के जन्मदिन की तैयारी करो और मन से तैयारी करना, क्योंकि उसी दिन मैं अधिराज और तुम्हारी शादी की घोषणा करने वाली हूँ। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया, मरते मरते बचो पर अकड़ पड़ी की वही। मेरे ही घर में आकर मेरी जुबान काटने की बात कर रहे हो, वो भी उस इंसान को जिसने तुम्हारी जान बचाई। कैसे इंसान हो तुम? नहीं, तुम तो इंसान कहलाने के लायक भी नहीं। तेरी माँ का मांग टीका रखा है, उसे ले ले और सुनैना को दे दे। उससे कहना कि कल जब लड़के वाले उसे देखने आएंगे ना तो वो मांग टीका पहन ले। हाँ तो उस घमंडी लड़की को देखने लड़के वाले आ गए होंगे। पर जो कुछ करना है जल्दी करना होगा, वरना खुशी शादी करके खुशियां मनाती रहेगी और हम पतले की आग में चलते रहेंगे। पर कनक उसका क्या, वो तो हमें इस महल से बाहर जाने नहीं देगी। और अगर हम महल से बाहर चले गए तो मां को बता देगी। मैं कुछ
ऐसा करना होगा जिससे महल से बाहर भी चले जाएं और महल में किसी को पता भी ना चले। अपना मकसद भी पूरा कर ले। ये कपड़े और ये कुछ गहने संभाल कर रखना। ये हमारी होने वाली बहू कनक के लिए है। वैसे मुझे खुद पर और अपने निर्णय पर बहुत गर्व है। मुझे तुमसे अच्छी बहू तो मिल ही नहीं सकती थी। कल रात तुमने जिस तरह धीराज को महल से बाहर जाने से रोका, उसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। मुझे पता है तुमने जानबूझकर अधिराज को चौसर के खेल में उलझा कर रखा ताकि वो बाहर ना जा पाए। अच्छी बात यह है कि वो तुम्हारी बात मानता है। बस यही छोटी छोटी बातें हमें बड़ी कामयाबी दिलाएगी। अब रानी माँ को कैसे बताऊं कि वो मेरी एक भी बात नहीं मानता। वो तो आज भी महल के बाहर जाने के बारे में सोच रहा था। वो तो मैंने धमकी दी तो रुक गया। क्या हुआ? अभी से शादी के सपने संजोने लगी क्या, या फिर कोई चिंता की बात है? नहीं नहीं, कोई चिंता नहीं है। मैं तो बहुत खुश हूँ। वो मैं सोच रही थी कि आप एक बार अधिराज से पूछ लें, पता नहीं वो मुझसे शादी करना चाहता भी है कि नहीं। वो तो वही चाहेगा जो उसकी माँ चाहेगी, क्योंकि अधिराज की लगाम मेरे हाथों में है। देखो कनक, तुम्हारी तंत्र विद्या की तपस्या भी अब समाप्त होने वाली है। उसके समाप्त होते तुम्हें सारी काली शक्तियों का वरदान मिल जाएगा। उसके दूसरे दिन ही तुम दोनों की शादी करवा दूंगी मैं। खुश? हमें क्षमा कर दे माँ, हम आपको दिया हुआ वादा तोड़ रहे हैं। और एक बार हमारा मकसद पूरा हो जाए उसके बाद हम आपको वचन देते हैं कि इस महल से अपना कदम भी बाहर नहीं निकालेंगे। बुरा लग रहा है ना, इसलिए मना कर रही थी। मत करो मेरी शादी। ना मैं तुम्हारे बिना रह सकती हूँ, ना तुम मेरे बिना। लेकिन तुम्हें बस मुझे भगाने की जल्दी है। आज से 21 वर्ष पूर्व सुनैना के जन्म के समय जिन ग्रह नक्षत्रों की दिशा और दशा के विपरीत होने की बात मैंने बताई थी, उसका समय आरंभ हो चुका है। अब सुनैना को कठिन संघर्ष, संकट और चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। भगाने के लिए नहीं बेटा, कन्यादान की जल्दी है। कन्यादान से बड़ा कोई दान नहीं। मेरे अब दिन ही कितने रह गए हैं। सोचती हूँ जाने से पहले तुम दोनों का कन्यादान कर दो, कुछ पुण्य कमा लो। ऐसा क्यों बोल रही हो नानी? एक बात बताओ, आपने बहुत पुण्य कमाया अपने अच्छे कर्मों से। तभी तो इतना अच्छा रिश्ता खुद चलकर तुम्हारे पास आया बेटा। तू बहुत भाग्यवान है बेटी, तू बहुत भाग्यवान है। तू चिंता मत कर दीदी, हम ना लड़के वालों को तभी हाँ बोलेंगे जब लड़का हमारी पसंद का। मेरी परी जैसी दीदी के लिए कोई राजकुमार जैसा लड़का ही होना चाहिए ना। जो घोड़े पर सवार हो
उसकी चाल ऐसी होनी चाहिए जैसे कोई राजा युद्ध जीत कर आया। उसके चेहरे पे रौब, बाजुओं में ताकत और दिल में ढेर सारा प्यार होना चाहिए, एकदम एक सपनों के राजकुमार जैसा। मुझे कोई राजकुमार राजकुमार नहीं चाहिए, मुझे वो इंसान चाहिए जो मुझे प्यार के साथ साथ सम्मान भी दे। इसलिए नानी, इस रिश्ते के लिए हाँ करने से पहले मैं एक बार उस लड़के से बात करना चाहती हूँ। ठीक है बेटा, जो तू ठीक समझे। लगता है लड़के वाले आ गए। घबराओ मत बेटा, माता रानी है ना, सब ठीक कर देंगी, भरोसा रख। नानी, लड़के वाले आ गए। ठीक है बेटा, तुम लोग यही रुको। हाँ, मैं जाती हूँ। और तारा बेटा, जब मैं आवाज लगाऊ ना तो तुम सुनैना को लेकर आ जाना, ठीक है? जी नानी। खुश रहिए। प्रणाम प्रणाम। बैठिए। प्रणाम नानी जी। प्रणाम। आप? हाँ। हमारे पंडित जी किधर है? दूसरे गांव गए हुए हैं। मैंने सुना सुनैना बिटिया को लड़के वाले देखने आए हैं, तो मैं चला आया। ठीक है, आइए बैठिए। लीजिए पंडित जी, आप पत्रिका देख लीजिए। बहुत सारे रिश्ते आए थे हमारे बेटे माधव के लिए, लेकिन जब हमने सुनैना बेटी की तस्वीर देखी तभी तय कर लिया कि हमारे घर की बहू तो सुनैना बिटिया ही होगी। वो क्या है ना कि बड़े बड़े सूबेदार और सेठ हमारे ही दुकान का कपड़ा खरीदते हैं ना, माधव को देखते ही अपनी बेटी के लिए रिश्ता मांगने लगते हैं। जी वो सुनैना नहीं दिखाई दे रही है। हाँ हाँ, मैं बुलवाती हूँ। तारा बेटा, सुनैना को लेकर आ जा। जीते रहो। यशस्वी भव। स्वास्थ्य कल्याण वस्त। खुश रह बेटा, बैठ। मैं अपनी बच्चियों को धन दौलत तो नहीं दे पाई, किंतु संस्कार ऐसे दिए कि जिस घर में भी जाएगी ना स्वर्ग बना देगी और अपने परिवार की मान मर्यादा में चार चांद लगा देगी। हमारे बेटे को आपकी सुनैना पसंद है। तो कोई अच्छा सा मुहूर्त देखकर शादी का दिन तय कर लेते हैं। शादी? पर अभी तो सगाई भी नहीं हुई। उसकी चिंता आप मत कीजिए काकी, सगाई की पूरी तैयारी हम करके आए हैं, इसलिए अभी हो जाएगी सगाई। वो सब तो ठीक है, पर पहले मैं अपनी बच्ची सुनैना से तो पूछ लूं। हमारे यहाँ लड़कियों से पूछा नहीं जाता, उन्हें बस बताया जाता है और यही हमारे संस्कार हैं। ये संस्कार की नहीं अधिकार की बात है मालिनी जी। जिस तरह शादी ब्याह में लड़कों को पूर्ण अधिकार होता है अपना निर्णय देने का, उसी तरह लड़कियों को भी पूर्ण अधिकार है अपना निर्णय लेने का।
इसीलिए मैं अपनी सुनैना का निर्णय का उतना ही महत्व देती हूँ जितना आप अपने माधव का देते हैं। ये बिल्कुल सही कह रही है। जब शादी हम दोनों की हो रही है तो निर्णय सिर्फ एक का ही क्यों? और माँ, सुनैना जी जो भी निर्णय लेंगी मैं इनका सम्मान करूंगा। हमारी सुने ना, हमारी जान नैना। इसे क्या हो गया? चंद्रलेखा, मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रहा है। जिस कीमती रत्न को तुमने इतने दिनों तक अपने पास संभाल के रखा था वो आज अचानक राजकुमार को क्यों दे रही हो? वो तो पहले से तुम्हारे बस में है ना, तो फिर ये कीमती रत्न क्यों? बस में है मगर पूरी तरीके से नहीं। ये रत्न उसे पूरी तरह से मेरे बस में कर देगा ताकि मैं जब अपना सबसे बड़ा दाव खेलूं तो मुझे किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। चले। अधिराज, अब तक सो रहे हैं आप? देखिए हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं। एक बहुमूल्य रत्न जो हमने वर्षों तक संभाल कर रखा था अपने पास, आज से ये आपका हुआ। देखिए तो इस रत्न में ढेर सारे गुण हैं। ये आपको स्वस्थ रखेगा, आपको शक्ति प्रदान करेगा और आपको अच्छा राजा बनने के लिए मदद करेगा। इसे आप अपने 21वें जन्मदिन का उपहार समझकर पहन लीजिएगा। ये रत्न आपको हमेशा याद दिलाएगा कि आपकी माँ आपसे कितना प्यार करती है। अधिराज उठिए ना। अरे आप तो उठ ही नहीं रहे। पर ये सब क्या हो रहा है? प्रेम हमारे साथ में और शादी किसी और के साथ में? ये तो बहुत गलत बात है ना नैना। नैना, अगर हमसे कोई गलती हो, समझ सकते हैं हम, अब दो प्रेमियों के बीच में नोकझोंक होती रहती है, इसका मतलब ये थोड़ा ना कि तुम नाराज हो जाओगी। तुम हमें छोड़ के इसके साथ शादी कैसे कर सकती हो? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम एक काम करो, तुम हमारी जान ले लो, क्योंकि हम तुम्हारे बिना तो वैसे भी नहीं जी सकते ना। देखो तुम ये जो कुछ भी कर रहे हो ना, मुझे पता है क्यों कर रहे हो। अब यही तो बात तुम्हें सबको बतानी है। हम दोनों कितना प्रेम करते हैं एक दूसरे से, तुम बिल्कुल मत डरो। हम खड़े हैं ना तुम्हारे साथ, बताओ इन सबको कि हम दोनों एक दूसरे से कितना प्रेम करते हैं।
अरे काकी, आप हमसे क्या पूछ रही हैं? मोम की नैना से पूछिए, जो भी एकदम से पत्थर का पुत बनकर खड़ी हो गई है। बताओ ना सबको तुम, हम झूठ बोल रहे हैं? कल कितनी सेवा की थी नैना ने हमारी, पूरी रात कैसे गुजर गई हमें तो पता तक नहीं चला। और सुबह तो तुम्हें छोड़कर जाने को मन ही नहीं कर रहा था। बताओ नैना यानी दीदी, ये पागल प्रेमी तो उस माधव से 10 गुना अच्छा है। मैं तो बोल रही हूँ मौका है, हाँ बोल तो। तुम इसके साथ पागल हो गई है क्या? चुप कर। और नानी एक बात बता दे रहे हैं हम आपको, अगर आपने दो प्रेम करने वालों को अलग किया ना, तो आप बहुत बड़े पाप की भागीदारी बन जाएंगे। अब तो तुम कर रहे हो झूठे, क्योंकि झूठ बोलना बहुत बड़ा पाप होता है। और मैं आप सबसे कह देती हूँ, मैं इस लड़के का नाम तक नहीं जानती, इससे प्यार करा तो दूर की बात है। और ऐसे लड़के से कोई प्यार कर भी कैसे सकता है? लगता है तुम्हें नाटक का बहुत शौक है, और तुम ये भूल रहे हो ये मेरा घर है, रंगमंच नहीं। चले जाओ यहाँ से। चले जाओ यहाँ से? तुम चाहती हो चले जाओ हम यहाँ से, तो चले जाएंगे और फिर कभी लौट कर भी नहीं आएंगे। पर तुम एक बात बताओ, क्या हम दोनों ने एक साथ इसी छत के नीचे रात नहीं गुजारी? बता दो इन सबको। थोड़ी देर पहले यहाँ संस्कार और अधिकार की बड़ी बड़ी बातें हो रही थी, अब सबकी बोलती क्यों बंद हो गई? हमें बहू के रूप में घर में लक्ष्मी लानी है, ना कि कुलक्षिणी। खबरदार खबरदार, जो किसी ने भी मेरी बच्ची को कोई भी अपशब्द कहा। अरे ए लड़का, तू क्या समझता है मैं तेरी बातों को सच मान लूंगी? चल बेटा यहां से, चल। जी मैं सच बोल रही हूँ, मेरी बच्ची गंगा जल के समान पवित्र है। उसने उस रात उस लड़के की सिर्फ मदद की थी, विश्वास कीजिए। अच्छा तो ये बात है, इसका मतलब ये लड़का सही बोल रहा है। वैसे आपने काफी छूट दे रखी है अपनी नातिन को अधिकार के नाम से। अरे हमें तो पहले ही समझ जाना चाहिए था, जब अपने शादी के लिए इसकी मर्जी पूछी थी। वैसे आपका परिवार बड़ा आधुनिक है काकी, हमारा परिवार कहाँ आपसे मेल खा पाएगा। चलिए यारो, सारा गांव जानता है कि हमारी सुनैना बिटिया का चरित्र और व्यवहार कितना अच्छा है। किसी अनजाने के दोष लगाने से हम ये नहीं मान सकते कि हमारी सुनैना में दाग है। सफेद कपड़े पर कोई राह चलते कीचड़ उछाल दे तो दोष कपड़े का नहीं होता, उस राहगीर का होता है। और हाँ, ये तो हम सब जानते हैं कि हमारी सुनैना बिटिया किसी की मदद करने में बिल्कुल भी पीछे नहीं हटती। मदद? बात अगर केवल मदद की रहती तो सुनैना हमारे साथ साथ पूरी रात क्यों जागती? क्या आपको हमारी नैना की आंखों में हमारे लिए प्रेम नहीं दिखाई दे रहा? आप तो इसे अच्छी तरीके से जानते हैं ना।
देखिए जरा, देखिए कि हमारी नैना कैसे फूल से मुरझा गई है इसकी शादी की बात से। और यहां पर और भी लोग हैं जो हमारे बारे में जानते हैं कि हम दोनों एक दूसरे से कितना प्रेम करते हैं, और उन्होंने देखा भी है। इसीलिए सुनैना हमें अपने घर लेकर गई ताकि हम दोनों एक साथ रात बिता सके। सितार बजाने की कोशिश कर रहे ताकि अधिराज को रिझा पाऊं, पता नहीं क्यों सीख ही नहीं पा रहे। मुझे तो लगता ना इस सितार में कोई खराबी है, वरना मुझे कुछ सीखने में समय थोड़ा लगता है। इसीलिए रानी साहब मेरी कितनी तारीफ करती। सुनैना को मैंने इसके साथ इसे घर पे जाते हुए देखा था। पर इसकी नानी तो बहुत भरोसा करती है लड़कियों पर। अब बेचारी नानी क्या कर सकती है, आंखों से देख नहीं सकती, कानों को जो विश्वास होगा जो ये लोग बोलेंगे। काका झूठ क्यों बोल रहे हो? अरे राम 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 राम, झूठ और मैं? अभी भी मौका है, मांग लो माफी, हम सब ठीक कर देंगे। बाल बाल बच गए हम, पता नहीं क्या अन्याय कर बैठते हम अपने बच्चे के साथ। अरे काकी कम से कम सच तो बोलते कि आपकी नाती रात भर रंगलिया। छी छी, मुझे तो कहते हुए भी शर्म आती है। थी मैं उसके साथ रात भर। मरते हुए की जान बचाने के लिए जिसे जंगल के सबसे जहरीले सांप ने काटा था, पर मुझे नहीं पता था जिस इंसान की मैं जान बचा रही हूँ उसके मन के अंदर उस जहरीले सांप से भी ज्यादा जहर होगा। बहुत मेहनत की मैंने इसकी जान बचाने के लिए, लेकिन ये उससे भी ज्यादा मेहनत कर रहा है मेरी जिंदगी बर्बाद करने के लिए। मैंने कहा था शादी का फैसला लेने से पहले मैं एक बार लड़के से बात करना चाहती हूँ, ताकि जीवन भर के संबंध में जुड़ने से पहले हम एक दूसरे को जान पाए, समझ पाए,
ताकि आगे जाके हमें पछतावा ना हो। इसमें क्या गलत कह दिया मैंने? कोई बात नहीं, मेरी इस नानी ने मुझे यही सिखाया है, जिस रिश्ते में भरोसा नहीं उसका कोई भविष्य नहीं। ये लड़की हर बार हमारी बाजी पलट देती है, माफी मांगने की बजाय इसने तो सच उगलना शुरू कर दिया। कहीं लोगों को इस पर भरोसा ना हो जाए। अब मैंने क्या गलती कर दी रानी साहब? चल बताती हूँ। देख देख, एक ही गलती की जिसकी कोई माफी नहीं है, अधिराज। मैंने तुझे उस पर नजर रखने के लिए कहा था और तू इतना भी नहीं कर सकी। पता कहाँ है अधिराज? वैसे गलती तेरी नहीं है, गलती तो मेरी है जो मैंने तुझ पर भरोसा किया। तेरी नाक के नीचे से अधिराज गायब हो गया और तू यहां सितार बजा रही थी। जल्दी बता अधिराज कहां है? बता। मुझे सच नहीं पता वो कहां है। नहीं पता? उठ, मैं बताती हूँ। पर ये तो पता है ना, ये गुड्डा गुड़िया की जोड़ी जो तूने अधिराज को भेंट दी थी, क्या कहा था तूने उससे? कि तुम दोनों कभी अलग नहीं होगे, तुम दोनों एक दूसरे की परछाई हो। और आज देखो, तुझे पता ही नहीं है कि तेरी परछाई कहाँ है और क्या कर रहा है। रानी साहब, वो मुझसे झूठ बोलता है। तो सच का पता लगाना सीखो, यही काम है तुम्हारा। और अब जल्दी से बताओ उसने क्या क्या बताया है तुम। लड़की लड़की लड़की, कौन सी लड़की? ये बाली किसकी है? ये बाली उसी घमंडी लड़के की लगती है। वो बाली वाली लड़की, अधिराज उसे सबक सिखाना चाहता था इसलिए वो जंगल गया था और वहां सांप ने भी काट लिया। क्या सांप ने काट लिया? इतनी बड़ी बात तो मुझे अब बता रही है? वो मैं वो... रुक, इतनी सारी बातें पता है तुझे? लेकिन तू ये पता नहीं लगा पाई कि वो लड़की कौन? सच कह रही रानी साहब, मुझे नहीं पता। यही सच है मालिनी, विश्वास करो। ऐसी लड़की से ब्याहने से तो अच्छा है मेरा बेटा जीवन भर कुंवारा ही रह जाए। आप खड़े क्यों हैं? चलिए यहां से। मैं इसको कितना संस्कारी समझा था, ये तो कुछ और ही निकली।
मैं तो अपनी बेटी को इसके यहाँ नृत्य सीखने नहीं भेजूंगी। संगत का कहीं असर न पड़ जाए। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? 21 साल से मेरी सुनैना इसी गांव में है। तुम लोग इसको देख रहे हो, इस पर भरोसा भी किया तुम लोगों ने? आज एक अनजान इंसान ने आकर झूठ के दो बोल क्या बोल दिए? सालों के भरोसे पर वो झूठ भारी पड़ गया। समय और चरित्र बदलते हुए देर नहीं लगती काकी। इतना सुनने के बाद सुनैना को अपने घर के आसपास भी नहीं रहने दे सकते हम। हाँ हाँ, नहीं रहने दे सकते हैं। नहीं है कोई अधिकार। ये नहीं रहने दे सकते का क्या मतलब होता है? कहाँ जाएगी मेरी बच्ची? बचपन से आज तक मैंने निस्वार्थ भाव से अपनी माता रानी और इस गांव के लोगों की सेवा की, बिना अपनी परवाह किए जरूरतमंदों की मदद की, क्योंकि मेरी इस बूढ़ी नानी ने मुझे सिखाया है कि सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं और मदद से ऊंचा कोई कर्म नहीं। और इसी सीख के कारण आज मैंने इस इंसान की मदद की जिसकी मुझे इतनी बड़ी सजा मिल रही है। और हाँ, अब मुझे इस गांव में रहने का बिल्कुल मन नहीं है, क्योंकि इस गांव में द्रौपदी का कृष्ण कोई नहीं, पर वो धोबी जरूर है जिसने माँ सीता पर उंगली उठाई। देखो चंद्रलेखा, कनक पर गुस्सा करके समय क्यों बर्बाद कर रही हो तुम? हाँ, अपनी शक्तियों का प्रयोग करो और ये पता लगाओ राजकुमार आखिर है कहाँ पर। कैसे अपनी शक्तियों का प्रयोग करूं मंदाकिनी? क्या तुम्हें नहीं पता कि अधिराज का दिमाग कितना तेज है? अगर मैंने अपनी शक्तियों का प्रयोग किया तो अधिराज को शक हो जाएगा। सालों से वो मुझे अपनी माँ समझता है, अपने जैसा साधारण मनुष्य समझता है वो। अगर मैंने एक भी गलती की तो उसे पता चल जाएगा कि मैं डाकिनी हूं और मेरी सालों की मेहनत पे पानी फिर जाएगा। इसीलिए मैंने अधिराज की निगरानी की जिम्मेदारी इस चुड़ैल को दी थी, पर तुम्हारी बेटी किसी काम की नहीं। अभी तक अधिराज नहीं लौटा है मंदाकिनी। लगता है ना चाहते हुए भी मुझे अपनी शक्तियों का प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि जितना जरूरी अधिराज से मेरी असलियत को छुपाना है, उतना ही जरूरी उसे ढूंढना है। तुम सही कह रही हो चंद्रलेखा। अगर वो यूं ही बार बार उस गांव के रास्ते जाता रहा तो शायद वो रास्ता भूल जाएगा जिस रास्ते पर चलना मैंने उसे सिखाया है, और ये मैं किसी भी कीमत पर होने नहीं दूंगी। रानी साहब, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे नहीं पता था कितनी बड़ी मुसीबत हो जाएगी। मुझे माफ कर दीजिए। कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिसकी माफी देना अपने आप में एक बहुत बड़ी गलती है। तुम्हें सजा मिलेगी और जरूर मिलेगी, ताकि तू दोबारा ऐसी गलती ना दोहराए। ये चंद्रलेखा तो किसी की नहीं, बस एक बार मेरी बेटी को सारी शक्ति मिल जाए और इस महल की महारानी बन जाए, फिर मैं इसे बताऊंगी कि असली सजा क्या होती है। आखिर वो लड़की है कौन जिससे मिलते ही अधिराज मुझसे झूठ बोलने लगा है? पर ये गांव छोड़कर सिर्फ मैं जाऊंगी, मेरा परिवार यही रहेगा। नहीं मेरी बच्ची, परिवार वो होता है जो विपत्ति में साथ दे, वो नहीं कि जो विपत्ति में साथ छोड़ दे। तू जहां भी जाएगी हम तुम्हारे साथ ही चलेंगे बेटे। ठीक है नानी, पर गांव छोड़कर जाने से पहले मैं आप सबसे कुछ मांगना चाहती हूँ। अगर आप लोगों को लगता है कि मैंने आज तक आप लोगों के लिए कुछ भी अच्छा किया है तो मुझे मना मत कीजिएगा। मैं कल माता रानी की पूजा के बाद इस गांव से चली जाऊंगी।
ये अधिराज है कहाँ? हाँ, इस बच्ची ने इस पूजा के लिए बहुत मेहनत की है और हम सब जानते हैं कि सुनैना माता रानी की कितनी बड़ी भक्त है, तो इस पूजा पर उसका भी अधिकार है। नहीं नहीं, अभी के अभी निकालो इसको यहाँ से। पूजा पाठ में ऐसी लड़की कोई जरूरत नहीं है, अभी भगाओ इसको यहाँ से। नहीं नहीं, इसे अभी के अभी निकालो हमारे गांव से, ये नहीं होनी चाहिए हमारे गांव में। इसने जो किया सो किया, लेकिन हम लोगों को इंसानियत नहीं खोनी चाहिए। क्यों भाई लोग? चलो ठीक है, ठीक है। और वैसे भी इसने हम लोगों के लिए बहुत कुछ किया है, तो एक बार इसकी बात सब लोगों को मान लेनी चाहिए। क्यों भाई लोग? ठीक है, एक दिन की बात है तो एक दिन रह सकती है। हाँ, तो हमने ये निर्णय ले लिया है कि कल तुम पूजा महोत्सव तक यहाँ रुक सकती हो। चंद्रलेखा, क्या दिखा तुम्हें? अधिराज उसी गांव में है जहां वो दासी रहती थी। और ये लड़की कौन है जिसकी वजह से अधिराज वहां चला गया? मांग लो माफी, इतना क्या घमंड है तुम्हें? एक माफी से तुम्हारी इज्जत तो नहीं चली जाएगी ना? लोगों की इज्जत उछालने वाले इंसान के मुंह से इज्जत जैसा शब्द अच्छा नहीं लगता। और हाँ, तुम जिसे घमंड कह रहे हो वो मेरा स्वाभिमान है, और स्वाभिमान कहता है कि सर केवल उन्हीं के सामने झुकाओ जहाँ आशीर्वाद मिले, ना कि उनके सामने जो खुद को ताकतवर और तुम्हें कमजोर समझे। देख ली ना हमारी ताकत, बेघर कर दिया तुम्हें। घर बसाने वाले ताकतवर होते हैं, उजाड़ने वाले नहीं। अभी भी समय, मांग लो माफी, हम तुम्हारे रास्ते से हमेशा के लिए चले जाएंगे। कभी नहीं। चौबीस घंटे सोच लो, या तो हमसे माफी मांग लो या फिर गांव छोड़कर चली जाओ। अगर हमसे माफी मांग लोगी तो हम सब कुछ सही कर देंगे। तुम होते कौन हो सही और गलत करने वाले? जब तक माता रानी हमारे साथ है हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और तुमने कितनी कोशिश की फिर भी मैंने तुमसे माफी नहीं मांगी। तुम जीत कर भी हार गए और मैं हार कर भी जीत गई। और तुम्हें क्या लगा मैं झुक जाऊंगी, रोऊंगी, गिड़गिड़ाऊंगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह कमजोर नहीं हूं। तो तुम्हें क्या लगा हम कमजोर हैं? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। मेरी नानी कहती है जो इंसान बदले की भावना रखे वो बेहद कमजोर होता है। हाँ, जब इस गांव को छोड़कर अपनी छोटी बहन और नानी के साथ तुम दर दर की ठोकरें खाओगी तब तुम्हें पता चलेगा कौन कमजोर है। और वैसे तुम्हारी नानी इस घनघोर जंगल को कैसे पार करेंगी? ना तो उन्हें दिखाई देता है, ना वो ठीक से चल सकती हैं, और रास्ते में कोई जंगली जानवर मिल गया तो? जंगली जानवरों से डर नहीं लगता, बल्कि इंसान की खाल में छुपे तुम जैसे लोगों से लगता है। किस मिट्टी से बने हो तुम? जिस परिवार ने तुम्हें मरते हुए बचाया उसी परिवार का घर उजाड़ दिया। मुझे तो खुद पर शर्म आ रही है कि मैंने तुम जैसे इंसान की जान बचाई।
एक बात अच्छे से समझ लो, अगर मैं तुम्हारी जान बचा सकती हूँ तो मैं अपने परिवार का ख्याल भी रख सकती हूँ। इसलिए याद रखना, तुम अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं हो पाओगे। करने वाले जब तक माता रानी हमारे साथ है, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और तुमने कितनी कोशिश की, फिर भी मैंने तुमसे माफी नहीं मांगी। तुम जीत कर भी हार गए और मैं हार कर भी जीत गई। जिस परिवार ने तुम्हें मरते हुए बचाया, उसी परिवार का घर उजाड़ दिया। मुझे तो खुद पर शर्म आ रही है कि मैंने तुम जैसे इंसान की जान बचाई। एक बात अच्छे से समझ लो, अगर मैं तुम्हारी जान बचा सकती हूँ तो मैं अपने परिवार का ख्याल भी रख सकती हूँ। इसलिए याद रखना, तुम अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं हो पाओगे। कर दो रानी, ये सब मेरे कारण हुआ। अगर उस रात में आपकी बात मान लेती तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। मुझे माफ कर दो रानी। तुमने कोई गलती नहीं की बेटा, अच्छे लोगों के जीवन में परीक्षाएं आती ही रहती है। बस हमें धैर्य रखकर उस परीक्षा में सफल होना है। नानी, आज आपको मेरी वजह से कितना कुछ सुनना पड़ा, सब मेरी गलती है। किसी की मदद करना गलती कैसे हो सकती है सुनैना? अब बेटा, तुझे क्या पता था कि तू जिसकी मदद कर रही है वो इंसान इतना बुरा होगा?
अपने आंसू पोंछ ले बेटा और मेरी बात ध्यान से सुन। तूने कोई गलती नहीं की और ना ही तू किसी से माफी मांगेगी, मुझसे भी नहीं। कितने आसानी से लोगों ने हमें गांव छोड़कर जाने के लिए कह दिया। इस गांव में हमने अपना बचपन बिताया, अपना अपना पूरा जीवन बिताया। सत्कार से छोड़कर जाना पड़ेगा। जाएगी कहाँ दादी? हमारी तो पूरी दुनिया इस गांव में बसी हुई है, ना ही कोई ठिकाना और ना ही कोई रिश्तेदार। आखिर हम कहाँ जाएंगे दादी? जहाँ बीमार हो जाएगी। कोई तो जगह होगी जहाँ लोगों को एक दूसरे पर भरोसा हो, भावनाओं की कदर हो, उपकार याद रहे, वैसी जगह ले चलो नानी। तारा तू सामान बांधना शुरू कर, फिर पूजा के बाद हम यहाँ से निकल जाएंगे। आज से 21 वर्ष पूर्व सुनैना के जन्म के समय जिन ग्रह नक्षत्रों की दिशा और दशा के विपरीत होने की बात मैंने बताई थी, उसका समय आरंभ हो चुका है। अब सुनैना को कठिन संघर्ष, संकट और चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। कहीं महापंडित की बातें सच तो नहीं हो रही है? बताइए अधिराज, हम कुछ पूछ रहे हैं आपसे, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए अधिराज। हमें किसी को कुछ नहीं बताना है, तुम जाओ यहां से। वाह, कितनी आसानी से कह दे कि आपको कोई जवाब नहीं देना, पर हमारे लिए रानी साहब को जवाब देना कितना मुश्किल था, इसकी खबर भी है आपको? जब उन्हें पता चला कि आप महल से बाहर किसी लड़की से मिलने गए हैं, तो उन्होंने हम पर कितना गुस्सा किया। क्या उन्हें कैसे पता लगा? तुम नहीं बता ना? नहीं, उन्हें खुद पता चला जब उन्होंने आपके बिस्तर पर उस तकिए को देखा जिसे बड़ी होशियारी से आप चादर उड़ाकर चले गए थे। आपको तो यही लगा होगा ना कि किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, है ना? ठीक है, फिर क्या हुआ? फिर क्या, जब रानी साहब ने आपको आपके कक्ष में नहीं पाया तो सीधा हमारे पास आई, बहुत गुस्सा किया उन्हें हम पर, तो हमें उन्हें बताना पड़ा कि शायद आप उस बाली वाली लड़की से मिलने गए। वैसे उस अनजान लड़की से बार बार मिलने का कारण जान सकते हैं हम? वो है कौन आपकी? दुश्मन है वो हमारी, सबक सिखाना चाहते थे उसे। पता था तुमको मुझसे बदला लेने गए थे और तुम तो दोस्त थी ना हमारी, फिर भी जाकर मां को सब कुछ बता दिया, और वो भी उस लड़की के बारे में जो हमारे लिए बिल्कुल मायने नहीं रखती। अगर वो लड़की आपके लिए मायने नहीं रखती तो आप बार बार सबकी आंखों में धूल झोंककर उससे मिलने क्यों जाते हैं अधिराज? राजकुमार, अच्छा वो आप आ गए, रानी से फिर से अपनी जान लेने की कोशिश की है। वो आपके महल से बाहर जाने की बात को लेकर काफी दुखी है, आप जल्दी से चलिए, अब आप ही हैं जो उन्हें शांत कर सकते हैं, चलिए।
ये सब क्या है? माँ 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 माँ, आपको क्या जरूरत थी ये सब करने की? एक बार मुझसे पूछ लिया होता माँ। मैं सब क्या है माँ, आप करें ये ये क्या हुआ है आपके हाथ को? कनक तुम जाओ, जाकर के शीतल लिप लेकर के आओ, जल्दी जाओ। माँ वो हम इसलिए गए थे। बस आज नहीं, आज हमने आपसे कोई सवाल नहीं किया, ना आपको कोई जवाब देने की जरूरत है, क्योंकि हम समझ चुके हैं कि आपके जीवन में आपकी माँ की क्या जगह है। नहीं माँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपसे बढ़कर और कोई नहीं। आप जानते हैं अधिराज हम आपसे कितना प्यार करते हैं, बहुत बहुत प्यार करते हैं आपसे, लेकिन फिर भी आप हमसे झूठ बोलते रहे और हमें कष्ट देते रहे। नहीं नहीं माँ, ऐसा ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है तो फिर कैसा है अधिराज? हम आपको कितनी बार समझाएं कि महल की बाहर की दुनिया बहुत खतरनाक है, खासकर वो गांव और गांव के वो लोग, पर अब फिर भी वो गांव गए, वो भी हमारी इच्छा के विरुद्ध। माँ जबकि आप जानते हैं कि उसी गांव की वजह से हमने अपना अपना पति खो दिया और आपने अपने पिता को। हम ये भी समझ चुके हैं कि आप जिस लड़की से मिलने गए थे वो भी उसी गांव की होगी, है ना? हाँ या ना? आपको आपका हाथ जल गया। हम कैसे समझाएं आपको अधिराज? आप समझते क्यों नहीं अधिराज? हम जिंदगी में दोबारा उसे नहीं खोना चाहते जिसे हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं इस दुनिया में। पूरा होने से पहले हमें मर जाना चाहिए, मर जाना चाहिए। माँ रानी साहब, रानी साहब रुक जाइए, रानी साहब। इस तरह डर डर के जीने से तो अच्छा है हम एक ही बार में मर जाए मंदाकिनी। महाराज के जाने के बाद हमने अधिराज को ही अपनी पूरी दुनिया मान लिया और ये है कि हमारी एक छोटी सी बात नहीं मान सकते। माँ हमें आखिरी बार माफ कर दीजिए, आज कल कभी ऐसा नहीं। पिछली बार भी आपने यही कहा था मगर अब नहीं, अब हमने निर्णय ले लिया है कि अब हम जीवित नहीं रहेंगे। हम मर जाएंगे तो हमारे साथ साथ आपको खोने का डर भी खत्म हो जाएगा। क्यों बोल रही हो? समझाओ ना। रानी माँ दरवाजा खोलिए, रानी माँ। माँ
माँ अब कभी झूठ नहीं बोलेंगे, आपकी हर बात मानेंगे, आप वापस आ जाइए। माँ हाँ कुछ ही दिनों की बात है तो आप लोग बहुत सारे मेहमान आ रहे हैं और हम उन्हें मना भी नहीं कर सकते और इतना बड़ा घर भी नहीं कि आप लोगों को यहाँ रख पाए, इसीलिए हमें माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं, प्रणाम। प्रणाम काकी। प्रणाम काकी, खुश रहो, कैसे हो देवीलाल? सब ठीक है काकी। चाचा आप तो जानते हो ना, हमें गांव से निकाल दिया तो कुछ दिन यहाँ रह सकते। वो क्या है ना, आप लोगों को रखने में कोई परेशानी नहीं थी, हमारी बेटी भी जवान है और उसकी शादी की उम्र भी हो गई है तो काकी हम नहीं चाहते कि लोग हमारी बिटिया के बारे में उल्टी सीधी बातें बनाए, तो हमें माफ कर दीजिए। चलो बेटा कहीं और देखते हैं। तुम्हें माँ का कुछ पता चला? नहीं, पर हमें बहुत डर लग रहा है अधिराज, अगर उन्होंने सच में अपनी जान। कनक! अब गुस्सा करने से क्या फायदा अधिराज, ये तो आपको तब सोचना चाहिए था जब आप उन्हें धोखा दे रहे थे। हम जानते हैं ये सब हमारी वजह से हुआ है और हमें इसका पछतावा भी कर। बस एक बार माँ मिल जाए उसके बाद हम कभी उनका दिल नहीं दुखाएंगे। माँ जो कहेगी उनकी हर बात मानेंगे। बस एक बार मैं वहां पे। अधिराज, पर अगर वो नहीं मिली तो? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और अगर वो नहीं मिली तो हम इस जंगल को आग लगा देंगे, सब कुछ राख कर देंगे, सब कुछ बर्बाद कर देंगे। माता रानी, अब आप ही कोई रास्ता दिखाइए। छुपने की इससे अच्छी जगह तो हो ही नहीं सकती रानी साहेब। ये
अधिराज आपको पागलों की तरह ढूंढ रहा है रानी माँ। वो कह रहा था कि अगर आप नहीं मिली तो सब कुछ चलाकर राख कर देगा, और मैंने भी आग में घी डालने का काम किया है। इसीलिए आजाद किया था तुम्हें, ताकि तुम अधिराज को ये विश्वास दिला सको कि ये सारा झूठ सच है। ऐसे ही काम करती रहोगी तो आगे से सजा नहीं मिलेगी। जी रानी माँ, वो सब कुछ तो ठीक है, पर ये लुका छुपी का खेल तुम कब तक खेलोगे चंद्रलेखा, और हम यहाँ से कब उतरेंगे? अभी नहीं, तड़पने दो उसे, करने दो थोड़ी मेहनत। सच कहूं तो इसकी जगह कोई और होता तो जान ले लेती मैं। मां लौट आइए, हम आपके बिना नहीं जी सकते मां। लेकिन अधिराज के साथ मैं ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि ये वही रास्ता है जो मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचाएगा। मां लौट आइए मां। फिलहाल इसे जो सजा मिली है वो मौत से कम नहीं है। वो तो है, पर एक बात बताओ, वो लड़की कौन थी जिसके वजह से अधिराज हर बार तुम्हारी बात टालकर चला जाता था? वो जो कोई भी हो, हमारे रास्ते में रोड़ा डाल सकती है। आज उसकी वजह से अधिराज गांव तक पहुंच गया, कल हमारी सच्चाई तक पहुंच सकता है वो। इसलिए हर हाल में मुझे अधिराज को महल से बाहर निकलने से रोकना होगा, ताकि वो गांव वालों से ना मिल सके। हम अपने लक्ष्य से सिर्फ दो कदम दूर हैं, ऐसे में एक छोटी सी भी गलती बर्दाश्त नहीं करूंगी मैं। ये सारी मुसीबत की जड़ तो लड़की है, अगर हम उस लड़की को ही मार दें तो? वो कहते हैं ना, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी।